Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Justice Javed Iqbal, jo Supreme Court ke justice rahe hain, senior justice the, aur uska jo past tha, jo history thi, integrity thi, jo uske decisions the, jo especially जो अहमदाबाद कमीशन में उसकी रिपोर्ट है उसके अलावा भी उसकी जो पास्ट हिस्ट्री है वो बेहतर है। नए चेयरमैन नैब के लिए जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का नाम फाइनल। दुआ है मामले पर सियासत ना की जाए। एमकेएम की जानिब से मिलने वाला नाम मायार पर पूरा नहीं उतरता था। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू। एक जमहूरी असेंबली कानून पास करती है कि एक मुजरिम, एक चोर, एक डाकू एक पार्टी का सरबरा बन सकता है। मुझे लगता है फिर सड़कों पर निकलना पड़ेगा। नवाज शरीफ को पार्टी सदर बनाने पर कप्तान बरहम, सड़कों पर आने का इशारा भी दिया। असेंबली ने इलेक्शन इस्लाहात बिल पास करके अखलाकियात पर वार किया। किसी करप्ट आदमी को इख्तदार में नहीं आने देंगे, इमरान खान का ऐलान। वजीर आजम पर भी ताबड़तोड़ हमले। कठपुतली प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है शायद खाकान अब्बासी। वो ये कहता है कि एक नाहिल प्राइम मिनिस्टर जो मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ा गया अभी भी मेरा वजीर आजम है। शर्म करें शायद खाकान अब्बासी। कप्तान को टफ टाइम देने का प्लान। आसिफ जरदारी ने एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा के दौरे का फैसला कर लिया। साबिक सदर कल पेशावर पहुंचेंगे, मकामी रहनुमाओं से NA4 के जिमनी इलेक्शन पर भी मुशावरत करेंगे। PTI अगर अकामा चैलेंज करना चाहती है तो जरूर करे। चोर दरवाजे तलाश करने वालों को नाकामी होगी। वजीर दाखला एहसन इकबाल तहरीक इंसाफ की क्यादत पर बरस पड़े। शरीफ फैमिली की नैब रेफरेंसेस से मुतालिक नई हिकमत अमली। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर लंदन से वतन रवाना। कल एहतसाब अदालत में पेशी का इम्कान। नवाज शरीफ, हुसैन और हसन नवाज लंदन में ही रहेंगे। हिसाब नहीं ये इंतकाम लिया जा रहा है। पाकिस्तान जाकर निजाम आदल को आजमाएंगे। नून लीग के सदारती इंतखाब पर वो एतराज कर रहे हैं जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं। मरियम नवाज का मुखालिफीन पर तंज। एक मुल्जिम की पेशी, दूसरे की गैर हाजिरी। शरीफ खानदान फर्द जुर्म की कार्रवाई को ताखीर का शिकार करना चाहता है। आइंदा तारीख पर नवाज शरीफ वतन वापस आ जाएंगे। मरियम नवाज बाहर चली जाएंगी। फवाद चौधरी का रद्द अमल। हल्फनामा फॉर्म में तब्दीली का मामला। राजा जफरुल हक की जेर सदारत 3 रुकनी कमेटी का पहला इजलास कल तलब। जिम्मेदारों का तयन किए जाने का इम्कान। DGISI और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के सदर लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान अख्तर ने कबल अज वक्त रिटायरमेंट ले ली। जाती वजूहात पर फैसला किया, मफरूजों से गुरेज किया जाए। रिजवान अख्तर का बयान। अफगानिस्तान में अमरीका और दाइश का गठजोड़ बेनकाब। कालेदम तंजीम को अमरीकी हेलीकॉप्टर्स के जरिए असलहा और बारूद फराहम किया जा रहा है। साबिक अफगान सदर हामिद कारजाई का इंकशाफ।